जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। एक और जन्म कुंडली का हम अध्ययन करते हैं। ये जो जन्म कुंडली है ये नेहा चारू जी की है। नेहा चारू जी, आप अपनी बर्थ डिटेल का मिलान कीजिए। डेट ऑफ बर्थ 22/3/1987, 10:30 AM, मतलब फ्रांसे का जन्म है। अलीगढ़ यूपी बर्थ पहले से। आपने घर मकान के बारे में पूछा है और कैरियर के बारे में पूछा है। लग्न आपका जो निकल के आया वृषभ लग्न है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं अपने से नवम स्थान भाग्य भाव मकर राशि में विराजमान। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है। 22 डिग्री का लग्न है तो लग्न आपका ठीक है, मजबूत है। वृषभ लग्न रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा का अच्छा सबसे बड़ा जो नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है। दशा आपके चंद्रमा की ही चल रही है 19/8/2029 तक। चंद्रमा आपके पराक्रम भाव के तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो कि अष्टम भाव धनु राशि में विराजमान। आपकी राशि धनु राशि है। चंद्रमा मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्रों में विराजमान है। पाया लोहे का वर्ण क्षत्रिय है, गण राक्षस है। वर्ण क्षत्रिय होने से आपके अंदर पराक्रम अधिक रहेगा, मतलब आप कैसी भी कंडीशन क्यों ना आए आप उससे संघर्ष कर सकते हैं। गण राक्षस होने से जो सोचेंगे वो अवश्य करेंगे। आपकी कुंडली में जन्मांक चक्र में मीन राशि जो एकादश भाव में स्थित गुरु सूर्य और राहु के साथ विराजमान, जो आपका लक्ष्मी भाव है, जो आपका लाभ भाव है, उसमें ये युति विराजमान है। गुरु राहु, गुरु चांडाल दोष का निर्माण, सूर्य राहु सूर्य ग्रहण का दोष उत्पन्न किए हुए है। आप स्वयं ही जानते होंगे सूर्य और गुरु प्रथम भाव के भी कारक होते हैं, पंचम भाव के भी कारक होते हैं और नवम भाव के भी कारक होते हैं, जो कि राहु के साथ पीड़ित अवस्था में है। गुरु आपका अस्त है तो ज्ञान और विवेक आपके अंदर, मतलब गुरु कम कर देगा क्योंकि वो चीज अस्त है। दूसरा, बात करें सूर्य राहु भी ग्रहण दोष का निर्माण, क्योंकि राजयोगों का अगर लाभ लेना होता है तो सूर्य का मजबूत होना जरूरी है। एकादश भाव बड़े भाई बहनों का होता है। गुरु अगर हमारे पीड़ित होते हैं तो बड़े भाई की हमको सेवा करनी चाहिए। जितने भी बड़े भाई बहन हैं उनकी आप सेवा कीजिए, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। शुद्ध रहिए, सात्विक रहिए, 3 माला गायत्री मंत्र की अवश्य जाप कीजिए, गुरु और सूर्य दोनों मजबूत होंगे। पिता पति और ससुर इनकी आप सेवा कीजिए, इससे आपको तरक्की मिलेगी। गुरु चांडाल दोष एकादश भाव में, तो आपको किसी को सलाह नहीं देनी है। आपको किसी को जीवन में कभी कोई सलाह नहीं देनी है। दूसरा, किसी की निंदा नहीं करनी। गुरु चांडाल दोष में अधिकतर पाया गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में यह योग होता है, वो मतलब सामने कोई व्यक्ति है तो उस
उससे उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके साथ रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे थोड़ा सा ये उनकी बुराई करते नजर आते हैं। तो ऐसा ना करें, चुगली ना करें, जिससे गुरु चांडाल तो उसका कोई भी अशुभ परिणाम आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। गुरु हमारा ज्ञान है, विवेक है, राहु को पीड़ित कर रहा है, तो मेडिटेशन अवश्य कीजिए, क्योंकि मंगल भी अपनी राशि का अवश्य है लेकिन द्वादश भाव में है। कभी कभी यह मति घुमा देता है, चीजें भुला देगा, जिससे आपकी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। उस चीज का आप ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बात करते हैं वाणी उग्र होगी, अर्थात ऐसे जातक क्रोध में आते वक्त ही कुछ भी बोल सकते हैं, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। किसी के काम में कोई गलती कम से कम निकालें या निकालें ही नहीं। दूसरी बात करें तो ये आपके चंद्रमा जो है 19/8/2029 तक है, महादशा चंद्रमा में चंद्रमा की 19/6/2020 जो कि जून तक है, जून पूरा होने वाला है, जून भी आने वाला है, ये हो जाएगा। इसके बाद मंगल की दशा आएगी, उस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बुध पंचमेश हैं आपके, कर्म भाव कुंभ राशि में विराजमान, शनि सप्तम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं, तो शनि और बुध आपके मजबूत स्थिति में है, तो आपको टीचिंग में प्रयास करना चाहिए। आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं, बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं, कोचिंग खोल सकते हैं, स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं, तो टीचिंग क्षेत्र आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बच्चों को कोई ना कोई उपहार अवश्य दीजिए, बच्चों से प्यार रखिए, आपको अद्भुत लाभ बुध देगा। शनि आपके सप्तम भाव में लग्न को देख रहे हैं, तो ये आपको है ना कभी कभी शिथिल कर देगा, कोई ना कोई शारीरिक समस्या या मानसिक चिंता अवश्य देगा, तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। लेकिन सप्तम में बैठने के कारण आपको ये आने वाले समय में बहुत कुछ आपको देगा। अभी मकर राशि में चल रहे हैं, जैसे कुंभ राशि में आएंगे तो आपके घर मकान वाहन के योग बनना शुरू हो जाएंगे। तैयारी कीजिए, कुंभ राशि में आने वाले हैं शनिदेव 2 साल बाद लगभग, तब तक आप तैयारी कीजिए। और आपकी धनु राशि होने से अंतिम चरण की साढ़े साथी भी आपको चल रही है, तो ये आपको टॉप टू बॉटम बहुत नीचे स्तर तक लेके जाएंगे अंतिम चरण में। तो कोई भी निर्णय लें सोच समझ के लें, क्योंकि अंतिम चरण में ये काफ़ी परीक्षाएं लेते हैं, तो हार मत मानिएगा, सोच समझ कर फैसले लीजिएगा। और शनि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे, आपको शनिवार वाले दिन व्रत रखिए, 11, 21, 51 आपकी यथाशक्ति हो फिर विद्यापन निधि कर दीजिए। प्रतिदिन रविवार को छोड़कर शनि को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए, पश्चिम दिशा में मुंह करकर, उसमें काले तिल, शक्कर, थोड़ा सा दूध और जल। शनि के वृक्ष की सेवा कीजिए, दीपक जोड़िए, शनि देव को तेल आप चढ़ाइए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जाप कीजिए, इससे शनि आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आपके बहुत काम आने वाले हैं। केतु पंचम भाव में है, इससे आपको देवी देवताओं की तरफ से भी कुछ सिद्धियां कह सकते हैं या आशीर्वाद जबरदस्त प्राप्त होगा। यदि आप भक्ति भाव क्षेत्र में रहेंगी तो आपको देवताओं का सानिध्य तुरंत प्राप्त हो जाएगा, इस फील्ड में भी आप काफी नाम रोशन कर सकते हैं, तो अवश्य आप इस चीज को भी करिएगा। देवताओं का भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। और शनिदेव की साढ़े साथी का अंतिम चरण है, तो पैर वस्त्र जूते चप्पल जो भी आप पहनते हैं उनको साफ रखिएगा,
नमक आदि का, चमड़े आदि का, जैसे जूते चप्पल हैं, पुराने कपड़े हैं, कंबल हैं, इनका आप दान करते रहिए। फिर आप देखिए कैसे आपकी किस्मत साथ देती है आपको। जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होने लग जाएगा। अंतिम चरण है, सावधान रहिएगा, पूजा पाठ करके और मेहनत कीजिएगा, वाणी का शुद्ध उपयोग कीजिएगा, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। आलस्य त्याग कीजिएगा, आलस्य मत कीजिएगा, क्योंकि शनि लग्न को देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा शिथिल अवश्य करेंगे। इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा नेक्स्ट जन्म कुंडली में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।